दोस्तों आज हम पांच टॉपिक्स की बात करेंगे और पांचों ही टॉपिक आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग गिव अवे भी है आप सबके लिए। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, आगे आपको बताता हूँ आपको क्या मिलेगा और कैसे आप जीत सकते हैं। अभी आपको मैं झलक दिखा देता हूँ क्या आपको मिलने वाला है। चलो गेस करके बताओ क्या आपको मिलेगा, आप कमेंट करो, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा पहला टॉपिक है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A42 5G। हम सब इस फोन का इंडिया में बेसब्री से वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मिल रहे हैं स्नैपड्रैगन 750G। अब ये फोन दोस्तों इंडिया से बिल्कुल भी दूर नहीं है, इस फोन को IMDI सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो आप ये मान लो इंडिया में जल्दी न्यूज आ जाएगी ये फोन लॉन्च होने वाला है डेट के साथ। मैं आपको बता दूंगा अंदर की बात जैसे ही कुछ कन्फर्म होगा। बाकी वेट करते हैं हम इंडिया में प्राइसिंग इस फोन की क्या रहती है। और बाहर जैसे यहाँ पर है HD+ डिस्प्ले, इंडिया में क्या यहाँ पर Full HD+ आएगा इसका भी हमें वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है इंडिया में ये फोन बहुत ही अग्रेसिव प्राइस लॉन्च किया जाएगा और ये रहेगा इंडिया में सैमसंग की तरफ से सबसे सस्ता 5G फोन। डिजाइन आप ये देख ही सकते हैं कैसा आपको मिलने वाला है। और दोस्तों सैमसंग का One UI 3 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा सैमसंग के स्मार्टफोन्स में, एक एक करके सभी को मिलना स्टार्ट होगा। पहले ये मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज में, अल्ट्रा में मिल जाएगा। मेरे पास आते ही बता दूंगा मैं आपको कैसे परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब बात करते हैं शाओमी के बारे में। रेडमी नोट 9 का एक और वेरिएंट आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा 5G सपोर्ट के साथ। मतलब जो इंडिया में रेडमी नोट 9 सीरीज थी वो सारी चाइना में फिर से लॉन्च की जाएगी, जहाँ पर प्रोसेसर लगाया जाएगा 5G वाला। आप ये कह सकते हैं इंडिया में ये फोन रेडमी नोट 10 सीरीज के नाम से आ सकते हैं और यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट पर मिल जाएगा Full HD+ डिस्प्ले और साथ में यहाँ पर होगा IPS LCD पैनल। एमोलेड पैनल अभी भी आपको रेडमी नोट 10 सीरीज में नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर सामने आ चुके हैं। जो एमोलेड पैनल है वो रहेगा शाओमी के प्रीमियम स्मार्टफोन्स में। बजट में देखना पड़ेगा हमें किस फोन में मिलता है शाओमी की तरफ से एमोलेड डिस्प्ले। अब मुझे लगता है शाओमी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मिड रेंज सेगमेंट में, अदरवाइज इस टाइम रियलमी शाओमी दोनों की मार्केट ढीली कर दी है माइक्रोमैक्स ने। माइक्रोमैक्स ने इंडिया में दो फोन लॉन्च किए थे, एक तो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और दूसरा है माइक्रोमैक्स इन 1B। ये है एक बजट सेगमेंट के फोन जो आपको मिलता है 7,000 की रेंज से और दूसरा है 11,000 का स्मार्टफोन मीडियाटेक क्लियो G85 के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन्स ने ऑलमोस्ट किल कर दिया है इन प्राइस सेगमेंट्स को। जो भी आपको फोन मिलते हैं इस टाइम इस प्राइस पे, उन सबसे कहीं ना कहीं बेटर निकल के आ रहा है माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 स्मार्टफोन। चाहे आप देख लो नार्जो 20 जो आपको मिलता है 10-11 हज़ार में, वहाँ पर है HD+ डिस्प्ले, या आप देख लो रेडमी नोट 9 जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। हालांकि सेल में वो आपको थोड़े कम पे मिल रहा है, बट आप खुद सोच के देखो जब आपको माइक्रोमैक्स का फ़ोन मिल रहा होगा सेम प्राइस पे, तो आप रियलमी या शाओमी क्यों लेंगे अगर आपको सब कुछ वहाँ पर टॉप क्लास का मिल रहा है तो। क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड भी आपको दिया गया है माइक्रोमैक्स के फ़ोन में, कोई भी एड्स का पंगा नहीं है और बहुत ही सिक्योर आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। और जबकि शाओमी और रियलमी में हम जानते हैं कस्टम UI है और एड्स का वहाँ पर आपको भर भर के पंगा देखने को मिलता है, यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है माइक्रोमैक्स के साथ स्टॉक एंड्रॉइड का होना। बाकी डिपेंड करते हैं कि आपको कस्टम UI पसंद है या फिर आपको पसंद है स्टॉक एंड्रॉइड, बताना मुझे कमेंट्स में। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि माइक्रोमैक्स के आपको और भी फोन देखने को मिलेंगे और वो आपको मिलेंगे मिड रेंज सेगमेंट में, यानी कि 15 से लेकर 20 हज़ार की रेंज में। इस बार ये टक्कर देंगे रियलमी 7 सीरीज और रेडमी नोट 9 सीरीज। रेडमी नोट 9 प्रो आपको मैक्स आपको मिल रहा है 15 से लेकर 20 के बीच में और आपको मिल रहा है रियलमी 7 प्रो 20,000 की रेंज में। इन दोनों को बिल्कुल टक्कर मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। जो माइक्रोमैक्स का फोन आएगा वहाँ पर या तो होगा स्नैपड्रैगन 732G या फिर आपको मिलेगा मीडियाटेक क्लियो G95 जो कि मीडियाटेक का न्यू प्रोसेसर था। रियलमी 7 में भी हमें यही देखने को मिल रहा है, गेमिंग आप यहाँ पर अच्छी खासी कर पाएंगे। तो अगर इन दोनों में से कोई आता है और वो आता है 15-16 हज़ार की रेंज में, फिर तो दोस्तों पूरी तरह से तहलका मच जाएगा। फिर तो होगा क्या कि रियलमी और शाओमी को अगले फ़ोन की प्राइसिंग बहुत ही सोच समझ के रखनी पड़ेगी। जैसे कि रेडमी नोट 10 सीरीज जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, उसकी प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव रखनी पड़ेगी इस बार शाओमी को, तभी कुछ धमाल हो पाएगा, अदरवाइज माइक्रोमैक्स बैठे हैं मार्केट में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मैं आपको सैमसंग साउंड बार की वीडियो दे चुका हूं और दो साउंड बार का गिव अवे भी चल रहा है, वो आप चेक करना मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ट में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। साउंड बार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्होंने पूरी टक्कर दे दी है रियलमी साउंड बार या फिर शाओमी साउंड बार को, क्योंकि आपको 7,000 की रेंज में वूफर भी साथ में दिया जा रहा है, रिमोट भी आपको मिलता है इनके साथ। और एक साउंड बार है प्रीमियम रेंज का जो कि है 24-25 हज़ार की रेंज का,
गिव वे है, जल्दी से जाकर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तो अब तक, और वहां पर जाके मुझे बताओ कि आपको साउंड बार ये कैसा लगा। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, रियलमी साउंड बार और सैमसंग साउंड बार, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? और जो रियलमी की X7 सीरीज आपको इंडिया में देखने को मिलने वाली है 5G सपोर्ट के साथ, इस बार सुनने में आ रहा है इसका प्राइस भी बहुत ही अग्रेसिव रहेगा, क्योंकि अब रियलमी शोमी का कंपटीटर माइक्रोमैक्स भी मार्केट में आ चुका है। इसलिए अब सोच समझ के सब कुछ करना पड़ेगा इन दोनों ब्रांड्स को। अगर रियलमी X7 महंगे प्राइस पे आता है तब मैं कह सकता हूँ आपको कोई उसे लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि रियलमी X7 की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए इंडिया में 20 से लेकर 22,000 के आसपास, इससे ऊपर नहीं। चाइना के हिसाब से, चाइना में ये आपको 19-20,000 का मिल रहा है, उसे 2-3,000 ऊपर ये इंडिया में लॉन्च किया जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर ये इस प्राइस पे आता है फिर तो ठीक है, बट अगर इससे ऊपर गया फिर मज़ा नहीं आएगा। और जो रियलमी X7 Pro है ये 30 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको देंगे स्मार्टफोन्स, फिर भी इनका प्राइस यही होना चाहिए, रियलमी X7 20 से 25,000 के बीच में और X7 Pro 30,000 की रेंज में। अब बात करते हैं ओनर के बारे में। ओनर भी दोस्तों मार्केट में पूरी तरह से कमबैक करने वाला है। आपको ओनर का जल्दी एक फ़ोन मिल जाएगा जो कि रहेगा एक बजट का फ़ोन, मतलब कि 10 से लेकर 15,000 के बीच का स्मार्टफोन, और ये होगा ओनर 10X Lite। देखते हैं यहाँ पर क्या आपको मिलता है, किस प्राइस पे आता है, उसका वेट करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गिव वे में आपको क्या मिलने वाला है। ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आपको मिल जाएंगे, और ये आपको मिल रहे हैं मोशन बाय ओनर की तरफ से। मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ टाइम से, मुझे ये बहुत ही पसंद आए हैं। मतलब आपको अलग मिलेंगे, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अलग है, टेंशन मत लेना, आपको मैं यूज़ वाले नहीं देने वाला। अब इन ईयरबड्स की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्रीमियम मिल रहा है, और बहुत ही लाइट वेट ये ईयरबड्स हैं। इनको आप अगर लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो भी आपको ये बहुत कंफर्टेबल लगेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चाहे आप इनको लगाकर वर्कआउट करो या कोई भी काम करो, आसानी से आप सब कुछ कर पाएंगे। साथ में बैटरी भी इनकी मुझे बहुत सही लगी है। ईयरबड्स में आपको मिलती है 55mAh की बैटरी, दोनों में 55mAh की, और जो चार्जिंग केस है यहाँ पर है 500mAh की बैटरी, जो कि लगभग 3 दिन तक आपका साथ निभा देगी। और एक बार इनको फुल चार्ज करने के बाद आप लगातार 5 से 6 घंटे तक इनको यूज़ कर सकते हैं लगातार, तो ऐसे में आप ये मान लो पूरा दिन बैटरी बैकअप आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करते हैं आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बैकअप आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चार्जिंग के लिए आपको USB-C टाइप पोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, इसको इसके साथ आप आसानी से इसको चार्ज कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। अगर मैं बात करता हूँ वेट के बारे में तो 4.4 ग्राम का वेट है इन ईयरबड्स का। ब्लूटूथ 5.0 आपको यहाँ पर मिल रहा है, कनेक्टिविटी की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी आपको। चार्जिंग केस ओपन करते ही ये कनेक्ट हो जाएंगे आपके फ़ोन के साथ, और इंजॉय कर सकते हैं आप म्यूज़िक को। म्यूज़िक क्वालिटी इसकी मुझे अच्छी लगी है, यहाँ पर ट्रेबल बेस सब कुछ बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग के बारे में तो ये आपको मिलते हैं 3,000 में। अभी ऑफर्स में आप 500 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर ले पाएंगे, मतलब 2500 में आप इनको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना, अगर आपको बाय करने हैं तो आप कर सकते हैं इनको फ्लिपकार्ट से बाय। अब अगर हम गिव वे की बात करते हैं तो गिव वे में पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ मुझे कि आपको ये ईयरबड्स कैसे लगे हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में ग्लिम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आप पार्टिसिपेट करो। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ओनर इस टाइम पूरा एक्टिव हो चुका है इंडियन मार्केट में, ऐसे लग रहा है आने वाले टाइम में आपको ओनर के बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है ओनर की तरफ से। स्मार्टफोन, वॉचेस, एक वॉच की वीडियो तो मैं आपको दे भी चुका हूँ, वो भी आप चेक कर लेना, उसका भी गिव वे चल रहा है। अब एक और न्यू कलर आ चुका है इस वॉच का, देख लो कैसा लगा आपको ये कलर, और गिव वे में उसके भी पार्टिसिपेट करना आप मत भूलना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब अगर हम बात करते हैं एप्पल के बारे में तो दोस्तों एप्पल में आपको टच आईडी वापस से मिल सकती है, एक ये पेटेंट फाइल किया है, देखते हैं बाकी क्या होता है। अगर ये टच आईडी मिलती है तो ये कहाँ पर मिलेगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। या तो पावर बटन में मिल जाएगी साइड में जैसे इनके आईपैड में मिली थी, या फिर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा एप्पल के न्यू स्मार्टफोन में। उसके बाद उनकी प्राइसिंग कहाँ जाएगी ये सोचने वाली बात है। क्या लगता है आपको, क्या टच आईडी का वेट कर रहे हैं आईफोन में? मैं तो कर रहा हूँ, मुझे टच आईडी बहुत पसंद थी आईफोन की, तो देखते हैं क्या निकल के आते हैं आईफोन 13 या फिर 14 में, वेट करना पड़ेगा हमें। तो इधर कुछ अपडेट्स, मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।